फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ट्वेल्थ करने के बाद आप डीएसपी ऑफिसर कैसे बने, तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे एक लाइक दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डीएसपी बनने के लिए आपको इसकी शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना जरूरी है। इसके लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक यूपीपीएससी की परीक्षा तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उम्मीदवारों को मूल अवधारणा और सिद्धांत एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों से मिल सकते हैं। ये पुस्तकें बहुत ही सुसंगत रूप से जानकारी प्रदान करती हैं। इसके अलावा विश्वसनीय भी हैं क्योंकि स्रोत स्वयं सरकार है। पिछले वर्षों में यूपीपीएससी ने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से सीधे प्रश्न पूछे हैं, तो एनसीईआरटी निसंदेह आपके पीसीएस की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे अच्छी किताबें हैं। नेक्स्ट, डीएसपी की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है। प्रथम, प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम, यह डीएसपी बनने का प्रथम चरण है। इस परीक्षा में जनरल स्टडी के अंतर्गत 150 अंक तक निर्धारित किया गया है। इसमें वैकल्पिक विषय 300 अंक का होता है। नेक्स्ट, मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस परीक्षा में अनिवार्य विषय के लिए अंतर्गत भारतीय भाषा 300 अंक, अंग्रेजी 300 अंक, निबंध 200 अंक, जनरल स्टडी 300 अंक, वैकल्पिक विषय के लिए अंक 2 डिजिट में निर्धारित है। नेक्स्ट, इंटरव्यू साक्षात्कार, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद छात्र को इंटरव्यू में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इंटरव्यू का आयोजन आयोग द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार आयोग द्वारा निर्धारित समिति के समक्ष देना होता है। इसमें अभ्यर्थी के मानसिक स्तर की जांच की जाती है। यदि आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको डीएसपी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। नेक्स्ट, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको परीक्षा से पूर्व 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको सुबह के समय दौड़, लॉन्ग जंप, तैराकी करना चाहिए, इससे आपका शरीर फिट रहेगा। परीक्षा की तैयारी पाठ्यक्रम के अनुसार करनी चाहिए। इस परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए। पोस्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं कि अगली पोस्ट हम किसके बारे में बना